बात ध्यान से सुन ले यूके, एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लिए, खाम खाका नेत्रे का घुसा लाग गया, तू कोमा में चला गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं। ठीक है हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूके 07 राइडर वर्सेस अरमान मालिक के बारे में। तो मेरे पिछले एक वीडियो में आप सभी को बताया था यूके 07 राइडर ने बॉक्सिंग के लिए चैलेंज किया था और इसी बॉक्सिंग चैलेंज को एक्सेप्ट किया है अरमान मालिक ने। तो अरमान मालिक ने क्या कहा, हम सदा सा क्लिप देखते हैं। तो भाई एक मच्छर है, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, एक दो घूसे दीवार में मार मुर के अपने आप को बॉक्सर समझने लग गया भाई। तो पहले ये सुन लो, फिर इसका वैम भी खत्म करते हैं। इट्स ओपन टू एवरीवन, बॉक्सिंग चैलेंज ओपन टू एनीवन। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, तेरा चैलेंज ना मैं लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी में दम है फाइट करने का, वी विल फाइट, वन वी वर्सेस वन फेस, यूके तैयार है। तो भाई हरियाणा में बहुत दम हुआ है और तेरा दम भी निकाल देंगे, चिंता ना करें। तो ट्रेनिंग भी करवा ही रहे, मतलब घर का घी और घर का सारा सारा सिस्टम, घर का सब कुछ ऑर्गेनिक। तो भाई हरियाणा का जो घी है वो पहलवानों के लिए बना है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बॉक्सिंग भी ऑर्गेनिक, खाना भी ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक। ओपोनेंट तो मिले, ओपोनेंट अरे आजो कोई साथ, बंदा तैयार बैठा। अरे नीरज भाई हम बैठे तो हंसने, तैयार तो करो, भरी लड़ूंगा जान लगा करके। अरे जान इकट्ठी तो कर ले पहले, जब तो जान लगाएगा। क्रेजी क्रेजी सीन बनाएंगे, क्रेजी सीरीज। एक्सेप्ट करो, अगर दम है ना पिछवाड़े में तो कर लो। तो ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिए तू, पिछवाड़े में दम ना के लोगों के होता है और जो मर्द होते हैं ना उनके जिगर में दम होता है। तो भाई एक बात और सुन ले यूके, अगर पीछे हट गया तो तू अपने माँ बाप की औलाद नहीं है, अगर हम हट गए तो हम नहीं है। तो भाई ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये चैलेंज दिया था इसने, मुझे बहुत सारे लोगों ने टैग किया अरमान भाई देखो ना क्या बोल रहे हैं। तो भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया, डेट टाइम तू बता दियो भाई, इतनी तो ट्रेनिंग कर ली, हम तो जिंदगी में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, पर हम पहुंच जाएंगे जहां तू बुलाएगा। ठीक है, तो भाई बेशरम तो देखे, पर इससे नीचे नीचे पूरी दुनिया को पता लग गया कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अच्छे से ट्रेनिंग ले ली है ना तूने तो मुझे बता दे कहां पर आना है। तो एक बात ध्यान से सुन ले यूके, एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लिए, खाम खाका नेत्रे का घुसा लाग गया, तू कोमा में चला गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं। ठीक है, तो भाई जितनी भी ऑडियंस है सबको इंतजार है इस फाइट का। तो नीरज भाई फटाफट इस मच्छर को तैयार करो कि ये कब अपने पर खोले। तो गैस अब हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस टीम के एक फाइनल वीडियो के बारे में। तो मुंबई इंडियंस टीम का जो बस था वो ट्रैफिक जम पर फंस चुका था और निकल नहीं पाया था, उसी बीच एक फैन आके उस ट्रैफिक जम को क्लियर करके उस बस को निकल देते हैं। तो वीडियो हम देखते हैं। गाइस अब हम बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। तो कल का मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस और इस मैच पर राजस्थान रॉयल्स जीत चुका है और इसी मैच का एक वीडियो क्लिप खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो है हार्दिक पांड्या का। तो हार्दिक पांड्या को इसी वीडियो में भी ट्रोल किया जा रहा है, तो वीडियो क्लिप हम देखते हैं। भाई रन नहीं आ रहे बल्ले से, पूरा आईपीएल निकल गया, T20 वर्ल्ड कप भी आ गए। हार्दिक सुन तो ले एक बार, हार्दिक भाई असली नाम से ही बुलाना पड़ेगा क्या, सुन ले देख ले इधर। अरे भाई अंदर जाके आज कुछ करेगा या आज भी बाहर ही खेल के चला जाएगा। अरे घुमा ले मटका ले, कमर को मटका ले, अंदर भी मार दिया यार दो चार चोट आज, पूरा आईपीएल निकल गया भाई। ओवर 18 चल रही है, बस रन नहीं आ रहे बल्ले से। हार्दिक अबे देख तो नहीं था,